death, two of wands, बॉटम में आया है टेन ऑफ वॉन्स. मैं स्टार्टिंग इस टेन ऑफ वॉन्स से करना चाहूंगी. इस कार्ड के साथ मैं बता दूं कि आपका नेचर मुझे बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन लग रहा है. जैसे आप कोई भी चीज हाथ में लेते हैं, किसी काम को करने का आप सोचते हैं, उसको आप काफी अच्छे तरीके से थिंक करके, एकदम ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कोई काम करना है. अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है किसी ने, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी अच्छे से करते हैं. ओके, तो आपकी एक क्वालिटी नजर आ रही है मुझे. और एक चीज देखिए, डेथ कार्ड मिडिल ऑफ द रीडिंग आया है, तो इससे तो क्लियर हो गया है कि आप इस वीक में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देख सकते हैं. और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉजिटिव वे में आ रहा है. देखिए पीछे सन है, तो ये यही डिफाइन कर रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, लेकिन ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए आ रहा है. देखिए यहाँ पे भी आप टू ऑफ वॉन्स के साथ अपॉर्चुनिटीज को सीक कर रहे हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं. और डेथ कार्ड के साथ फाइनली आप एक्शन ले लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे. और इस वीक में आपकी लव लाइफ में, ये लव रीडिंग है तो मैं आपके लव के पर्पस से बताऊं, तो इस वीक में आपका पार्टनर आपके साइड कोई तो भी ट्रांजिशन लेके आ सकता है या कोई मेजर एक्शन लेने के बारे में सोच सकते हैं वो. आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपको कोई तो भी नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चीजों के साथ ही आगे आप बढ़ रहे हैं. और इस हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ मैं थोड़ा आपको डिफाइन करना चाहूंगी कि आप अभी तक अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं थे, तो इस वीक में आप खुद ऐसा फील करेंगे कि आप भगवान से ज्यादा कनेक्टेड अपने आप को फील कर सकते हैं, या आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो सकता है. और मैं हमेशा से यही बताते आई हूँ, आपका इंट्यूशन तभी स्ट्रांग होगा जब अपने आप को आप भगवान से कनेक्ट करेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, उन पे ट्रस्ट करेंगे, तभी आप अपना इंट्यूशन स्ट्रांग कर सकते हैं. तो जैसे ही आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, वैसे ही आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ जाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे. ओके, तो ये वीक आपके लिए मेजर ट्रांजिशन आ रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है ये वीक. तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में किस टाइप का ट्रांजिशन आपने देखा हुआ है. अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी स्पिक आउट करना चाहूंगी कि वो किस मोड में चल रहे हैं फिलहाल. फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, बॉटम में आया है थ्री ऑफ कप्स. देखिए आपके पार्टनर चाहते तो बहुत कुछ है. देखिए उसके नीचे क्या आया, फोर ऑफ वॉन्ड्स. चाहते तो बहुत कुछ है, सोलमेट, आपको अपना सोलमेट समझते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं. सारे कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए. आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज्यादा अभी कंफ्यूजन अगर चल रहा था अभी तक के वीक में, तो वो इस वीक में फाइनली डिसाइड कर लेंगे. देखिए यहाँ पे वो पेंटिकल्स एकदम पकड़ के बैठे हुए हैं. मैं ये लव रीडिंग के हिसाब से आपको डिफाइन कर रही हूँ कि वो ऑफर देने का आपका सोच रहे हैं, और काफी टाइम से थिंकिंग मोड में चल रहे हैं कि आपको ऑफर देना है या आपके साइड कोई एक्शन लेना है. बट आई डोंट थिंक कि अभी तक उन्होंने कोई एक्शन आपके साइड लिया है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कोई तो भी कंफ्यूजन से डील कर रहे थे. लेकिन इस वीक में वो आपके साइड कोई एक्शन लेके आ सकते हैं. बहुत स्लो मोड में ही आ रहे हैं. मे बी स्टार्टिंग ऑफ द वीक या मिड ऑफ द वीक आपको कोई एक्शन दिखाई ना दे, बट मिडल ऑफ द वीक के बाद आपके पास कोई एक्शन आ सकता है. ओके, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही डिफाइन कर रहा है, धीरे धीरे आपके पास वो एक्शन लेके आना चाहते हैं. ओके, उनके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है. देखिए यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पे आया एस ऑफ स्वॉर्ड्स. फाइनली उन्होंने दो स्वॉर्ड्स में से एक स्वॉर्ड अपने लिए चूज कर ली, और वो स्वॉर्ड है आपकी, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं. आपके साथ ये फैमिली का जो कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग का, फैमिली का, मैरिज का, ये सारी चीजें आपके साथ ही वो सोच रहे हैं. रियूनियन भी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन भी करना चाहते हैं आपके साथ. सोलमेट वो आपको मानते हैं, मे बी उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आप ही उनके सोलमेट हैं. तो बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जी आ रही है अब उनके थॉट्स, मतलब अभी तक अगर वो एक दो थॉट्स उनके माइंड में चलते थे, लेकिन वो एक दो थॉट में ही कंफ्यूज रहते थे. अब उनके माइंड में इतने ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, और वो सारे थॉट्स को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, और आपको उन्होंने एक अपना सोलमेट फाइनली मान लिया है. तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी. आप देख लीजिए सारे के सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, इसमें से एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है अभी तक. नेगेटिव, अगर नेगेटिव भी नहीं बोलूंगी उसको मैं. देखिए सबकी लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि आप कई बार अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं.
आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ का बोलें या पर्सनल का बोलें, आपके साथ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं ऑटोमेटिक कि आप ही डिसाइड नहीं कर पाते कि किस वे में आपको आगे बढ़ना है। तो यह सभी ह्यूमन बींग्स के साथ होती है। देखिए, कोई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सारे एकदम ही माइंड में अपने पहले से क्लैरिटी लेके बैठते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान है तो इंसान के माइंड में कन्फ्यूजन भी आता है, थोड़ा सा डाउट भी आता है, डिलेज भी करते हैं वो काम में, ओके तो आपको ऐसा कोई नेगेटिव चीज नहीं बोलूंगी इसको मैं। लेकिन कितना भी कुछ हो, उन्होंने एक सॉर्ड को चूज किया ना, आप इस पॉजिटिव चीज को देखिए। आपके लिए निकालना चाहूंगी गाइडेंस, आपको क्या निकल के आता है जो आपको इस वीक में फॉलो करना है। आपके पार्टनर के साइड से तो काफी अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं, आप देखते हैं आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। मैं एक चीज यहां देखिए, पहले मैं इस चीज को नहीं बताती लेकिन अब यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, वो भी थ्री ऑफ कप्स के साथ। तो मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर में भी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि दो दो कार्ड थर्ड पार्टी के आए हुए हैं। ओके, यहाँ पे तो मैं आपको पहले बता चुकी कि आपके साथ वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ सारी हैप्पीनेस देखते हैं, लेकिन अगर यहाँ थ्री ऑफ सॉर्ड आ गया है तो इसका मीनिंग एकदम ही अपोजिट हो जाता है। वो आपको या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी तक रखे हुए थे, तो मैं एक बात आपको बता दूं, अब उनके थॉट्स में क्लैरिटी आ रही है, वो आपके साइड कोई ऑफर लेके आना चाहते हैं, फाइनली उनने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, अभी तक जो स्टक चल रहे थे तो अब वो मूवमेंट कर रहे हैं आपके साइड। ओके, और आपके लिए क्या गाइडेंस निकला है, आपके लिए सिर्फ यही गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ में जो भी स्टक सिचुएशन में है उससे बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। क्योंकि देख रहे हो ना, यहाँ पे हैंग्ड मैन के पीछे सन है, तो आपके माइंड में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आने वाले हैं, बहुत सारे आइडियाज आप एक्सप्लोर करोगे और उन आइडियाज के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज निकल के आई है आपके साइड से भी और आपके पार्टनर के साइड से भी।